जीवन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रेखा, आइए एक नजर डालते हैं आज की रिपोर्ट पर। ऋतु जी और सबसे ज्यादा जो मंच के सामने विराजमान है, अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो और किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे सारे साथीगण, मैं बुजुर्ग इसलिए नहीं कह रहा, आपके चेहरे से लग नहीं रहा भी आपको बुजुर्ग है। ऐसे चेहरे चमक रहे हैं, ये चमक जो होती है ना वो सिर्फ साधु संतों के चेहरों पे होती है जिनके अंदर तेज होता है, और ऐसा तेज मुझे आप सबके चेहरों पर नजर आ रहा है। और मैं चाहूंगा अपने लिए जोरदार तालियां अपने लिए हम लगाए, सब जोरदार तालियां, रामदेव जैसी तालियां लगनी चाहिए। आज नववर्ष के दिन इससे बढ़िया कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। आज जो बुजुर्गों ने, जो सीनियर सिटीजन में हमें आशीर्वाद मिला है, मैंने मंच पे भी यही कहा है, आज सवेरे मैं मंदिर नहीं जा पाया किसी कारणवश, लेकिन आज शाम को ये बड़े मंदिर में आके आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। आशीर्वाद रूप यही है, हमारा देश तरक्की करे। मैंने ये भी कहा है यहाँ पर कि जो हमारा पहले ये विश्व गुरु के स्थान पर था हमारा भारत देश, आज पुणे ऐसी परिस्थितियाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वो देश की सेवा कर रहे हैं, मैं दोबारा पुणे ये प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, आज वो दिन दूर नहीं जब पुणे हमारा भारत देश विश्व गुरु के स्थान पर होगा। मैंने इसका कोई मैच नहीं जिस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये मन से जितने आशीर्वाद इनको मिल रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते उन आशीर्वादों का क्या मोल है। ये आशीर्वाद जो बुजुर्गों का विक्रम जी को और इनकी पूरी टीम को मिल रहा है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप इन बुजुर्गों की सेवा में लगे रहो, इनके कार्यों में लगे रहो, और इनके काम स्वयं प्रभु आके करेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तजुर्बे की बात करें, देखिए ऐसे ऐसे काम उन्होंने करे जो 400 साल से रुके हुए थे। जी जी, कौन कौन? और देखिए जो देश की अखंडता में जी सबसे बड़ा रोड़ा था, जो सबसे बड़ी बाधा थी 370 और 35 से जी जी, और विरोधी पार्टी वाले कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, 3 जन्म और लगेंगे, मार काट हो जाएगी, और बड़ी बड़ी पार्टियां आई, छत्ते को हाथ भी नहीं लगाया किसी ने, सोचना तो करना तो दूर, सोच भी नहीं पाए और करके ऐसे फेंक दिया, ऐसे करके कर दिया। क्योंकि जो वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी चिंता नहीं हो, अपने वोट बैंक की चिंता नहीं हो, सिर्फ देश की चिंता, राम मंदिर का मसला, दूसरी पार्टियां कह रही थी 1921 के बाद लगाना जी, ये करना जी, और आते ही करा कोर्ट ने, लेकिन जितना प्रयास रोज तरीके पड़ती रही जितना उन्होंने इसको करा। और अभी जो 1731 कॉलोनियों का जो हुआ है, अब देखिए गरीब आदमी मकान लेके अपने खून पसीने के बैठा हुआ था, लेकिन हर वक्त तलवार लटकी रहती थी, ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी रात को सो नहीं सकता था। आज उनके लोगों के दिल से पूछे ये काम क्या है, ये काम कोई वो उनके कोई इलेक्शन थोड़ी है जो ये काम कर रहे हैं। वो सी ए बी एन आर सी नहीं हुआ अभी, तो उन्होंने क्लियर करा है। अब सी ए का काम देखिए, अब
ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, अब ये कल्पना कीजिए उनके हजम नहीं हो पा रहा उन पार्टियों को, भी इतने काम हो गए, काम पे काम करे जा रहे हैं, मतलब राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए। राजनीतिक मुद्दे तो ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं। नहीं, कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दे तो खत्म, उनका देखो वो कहते थे ये करेंगे ही नहीं बीजेपी वाले, क्योंकि इनका मुद्दा 370 भी राजनीतिक मुद्दा था सब, देखो वो तलाक भी राजनीतिक मुद्दा था। ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा वो करे जा रहे हैं और लोग इनको कोस रहे हैं, दूसरी पार्टी कोस रही है। नहीं तो दूसरी पार्टी है जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो तो करते ही नहीं। ये एक ऐसी वायद पार्टी है जो कर भी रही है और पार्टी इनको कोस भी रोक भी रही है। अब ये कल्पना, लेकिन व्यापारी वर्ग एक बहुत परेशान लग रहा है, सब कहते हैं काम धंधा बंद हो गया, इसका क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊँ, व्यापारी टोटली हमारे साथ है। परसों भी हमारा तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ, पीयूष गोयल जी, हरदीप पुरी जी उसमें आए, उन्होंने भी लिखित में मांगा। मैं ये नहीं कहता, जो भी परेशानी है वो उनको सुन रहे हैं, उनको कर रहे हैं, वो जो उनको व्यापारियों को कहा है हमारे को लिख के दो, अगर कोई ऐसा कानून जो हमारे प्रति कुछ ऐसी कमी रहेगी उसको हम पूरा करेंगे। और वो व्यक्ति सबसे ऊपर होता है जो पब्लिक के साथ मिल के चलता है, उनकी उनके पूछता है क्या दिक्कत है। अब कभी सरकारें ऐसा करा किसी सरकार ने? आज ये सरकार मोदी जी की कर दी है फिर भी, लेकिन ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। उसके वजह से हम निकल के जाएंगे, बाकी भी निकलेंगे, व्यापारी हमारे साथ खड़ा हुआ है और व्यापारियों के लिए पेंशन योजना हो गई। क्या कश्मीरी वापस जाएंगे दोबारा कश्मीर में? बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे, उनके लिए अलग व्यवस्था बनेगी पूरी। और ये टंके की चोट से वो कश्मीरी वहाँ पे जाएंगे, और ये छाती ठोक के मैं आपको कह रहा हूँ, जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये धंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये वापिस जाएंगे, ये कोई हमारे कोई धर्मशाला नहीं है। कब तक बिल्कुल प्रक्रिया चालू है। और मैं आपको फिर बता दूँ, 303 सीटें हमारे को कोई मच्छर मारने के लिए नहीं दी है लोगों ने, देश का काम करने के लिए दी है। और वो धंके की चोट पे काम करेंगे, कितना भी इसका विरोध फैला पड़े या कुछ भी विरोधी पार्टियां करती रहे, लेकिन जो हमने लक्ष्य रखा हुआ काम का, जो हमारे मैनिफेस्टो में, उसको निरंतर उसको पूरा करते जाएंगे। मैदान साहब, इलेक्शन आने वाला है दिल्ली का, एमएलए का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन खड़ा है, तो क्या आपका भी विचार है ये इलेक्शन लड़ने का? और कीर्ति नगर की जो समस्याएं अभी हैं, सबसे बड़ी समस्या कीर्ति नगर की जो जाम की प्रॉब्लम ये बीच की रोड की हमेशा रहती है, तो उसके लिए क्या कोई योजना बनाई गई है? देखो, आपने सबसे पहले कहा टिकट लड़ने का, एक चंचल जी जागरण में अपनी बात कहते हैं, कह रहे हैं जंगल में शेर आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? हमने क्या करना है, जो करना है शेर ने करना है जी। अब ये पार्टी हाईकमान सोचेगी, जो शेर सोचेगा क्या करना है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज हमारे को पहले निगम पार्षद बनाया, अब मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अगर इसके बाद पार्टी जो भी हमारे लायक कोई काम करेगी, सोचेगी भी ये काम कर सकते हैं, हम करेंगे, नहीं तो हम पार्टी की सेवा कर ही रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। बाकी समस्या जरूरी नहीं मैं विधायक होके करूँ, अभी भी कोई समस्या मेरे लायक होती है तो हम उस समस्या को हल करने में अभी भी सक्षम हैं। सारे जितने भी अधिकारी हैं बेचारे वो सुनते हैं, और कोई भी समस्या होती है, आज भी सवेरे से लेकर रात तक हमारा दरबार चलता रहता है, घर में लोग आते हैं, काम करते रहते हैं, ये मेरी निरंतर प्रक्रिया। मैडम से सर, ये दिल्ली की जो फ्री सेवा की राजनीति चल रही है, क्या कहना है आपको? देखो, ये व्यक्ति ने 4.5 साल तक कुछ नहीं, संविधान को ये व्यक्ति मानता नहीं है, अनारकी अपने आप को ये घोषित कर बैठे हैं। ये जब उसको लगा ये सांसद के चुनाव हुए, मैं तो दूसरे नंबर पे भी नहीं तीसरे नंबर पे आया हूँ, तब इसकी आँख खुलती है, तभी आनंद फानन में जैसे हारा हुआ जुआरी होता है ना, भी सारा दावे लगा दूँ पिछला भी आ जाए। ये कुछ 31 मार्च तक ये देखिए हमने आरटीआई लगाई थी, 31 मार्च तक इसने कर रखा है, ये सारा चुनावी जुमला है। हम तो कह रहे हैं भगवान चल लोगों का इस बहाने से ही चुनाव के नाते से ही, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ झुकी वहाँ मकान, मोदी जी ने ये पास कर दिया, ये कोई हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। आप इसका नमूना देख लीजिए, कठपुतली कॉलोनी मकान बन के तैयार खड़े हैं, मोदी जी अपने हाथों से झुग्गी झोपड़ी वालों को देने वाले हैं। आयुष्मान भारत योजना, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा जो इन्होंने कराया, लगभग 40-50 करोड़ लोग इसका लाभ उठाएंगे, और लेकिन दिल्ली में नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मुमताज अली हमारा एक कार्यकर्ता बहुत पुराना है, यहाँ अमर कॉलोनी जखीरा में रहता है, उसको कैंसर हो गया बेचारे को, वो बेचारा रोता हुआ आया, महंगा इलाज है कैंसर का सबको पता है। अब मैंने बड़ी कोशिश करी नहीं हो, लेकिन उसने एक बात मेरे को चलते चलते कह दी,
कह रहे मैंने आयुष्मान भारत का वो करा रखा है, मैं दिल्ली में तो लागू नहीं है, तो उन्होंने कहाँ से करा ली? कह रहे मैं गाँव पे मेरे सारे प्रूफ थे, मैं गाँव से करा गया। उसको मैं मीनाक्षी लेखी के पास ले गया, वहाँ उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल में फ़ोन करा, आज उसका सारा इलाज फ्री में हो रहा है। आप कल्पना कीजिए कोई गरीब व्यक्ति के पास ऐसी बीमारी आ जाए, और जो प्रधानमंत्री जी का कोई नाम है आयुष्मान भारत योजना, क्यों नहीं मिल रही दिल्ली के लोगों को, क्यों नहीं मिल रही? आज वो बेचारा के पास थी, आज उसका इलाज में फ्री में हो रहा है। और लेकिन दिल्ली के लोग महरूम हैं, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा हट्टी किस्म का व्यक्ति है। और आज इसके बाद कमल की सरकार आएगी और सबको आयुष्मान भारत योजना का ये मिले लाभ, और ये जहाँ झुकी वहाँ पक्के होगा, ये सभी लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये अभी उनको कहने की ये जरूरत नहीं है, जो उन्होंने अपने मुंह से कह दिया वो उन्होंने करना है, लाजमी करना है। और आपको मैं बता दूँ, जितनी भी झुग्गी है खाली दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी झुग्गी है वहीं पे पक्के मकान मिलने वाले हैं, और मोदी जी अपने हाथ से देने वाले हैं। ये आपको मैं डंके की चोट पर कह, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। ये सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जो है हर मंथ जो है जिनका बर्थडे पड़ता है दिसंबर में, जैसे जिनका बर्थडे पड़ा, चाहे मैन है या वुमेन है, उनका बर्थडे हम मनाते हैं। और जितने लोग हैं इसमें लगभग 895 मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर जो हैं लगभग 400-450 मेंबर हर महीने आते हैं। हम उन 450 आदमियों को प्रसाद देते हैं, और जिनका बर्थडे है उनको बर्थडे देते हैं। सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन जो है हर 3 महीने के बाद एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाती है, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे भटकल लेक हो, चाहे चक्रवर्ती लेक हो, या कहीं हरिद्वार का टूर हो। तो पिछले कई वर्षों से ये सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम हो रहा है, मैं 3 साल से इसका मेंबर हूँ जी। मेरा घर इसके बिल्कुल पीछे ही है, मैं यहाँ ऐसे ही घूमने आता था पहले, तो मेरा भी शौक जागा कि मैं भी इसका मेंबर बनूं। जैसे ही मैं मेंबर बना तो लोगों ने कहा कि आप इसके टीम के अंदर आओ, तो मैंने जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव लड़ा तो मैं जीत गया। पिछले कई वर्षों से ये संस्था चल रही थी, तो मैं अभी नया हूँ इस संस्था के अंदर, लगभग मुझे 3 साल ही हुए हैं इस संस्था को ज्वाइन किए। और मेरी ये इच्छा है कि लोग यहाँ से जनकपुरी जाते हैं, जनकपुरी के अंदर लगभग 5-6 हज़ार मेंबर हैं, मेरी ये ख्वाहिश है यहाँ के हमारे लोग जनकपुरी जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जनकपुरी के लोग इधर आए, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जनकपुरी के लोग यहाँ आकर मेंबर बने और इस संस्था को जो है सबसे शक्तिशाली संस्था बनाए दिल्ली की। ये प्रेरणा किया है कि मैं अलायंस क्लब का भी क्षेत्र से अध्यक्ष रहा, अलायंस क्लब का भी मैं सिटिंग गवर्नर हूँ, और इसके अलावा मैं इथोपियन अम्बेसी का हूँ। मैं बेसिकली सोशलिस्ट हूँ इस इलाके का, मुझे समाज सेवा कहते हैं, ना तो मुझे MLA का चुनाव लड़ना है, ना मुझे कोई काउंसलर का लड़ना है, ना मुझे संसद का चुनाव लड़ना है। मेरी जो इच्छा होती है, मैदान साहब बैठे हैं, इनको कोई काम कह देते हैं, मैडम मीनाक्षी लिखी हैं उनको कोई काम कह देते हैं, या हमारे क्षेत्र का जो MLA है शिव उनको बोल देते हैं, हमारा काम वो कर देते हैं, हमें कभी कोई दिक्कत कोई नहीं आई। मेरे साथ आज इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 81 नेटवर्क।